हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टच अप पर। सो आज हम लोग देख रहे हैं बेबी गर्ल कटिंग। तो देखिए, मैंने पहले इस तरीके से मेजरमेंट ले लिया है कि कितना तक मुझे कट करना है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा नीचे तक ही कट कीजिए। अगर आपका उसकी मम्मा ने या उसके जो भी उसके साथ आया हो उसने बताया हो कि इतना तक बाल कट करना है, उससे थोड़ा सा नीचे तक ही बाल कट कीजिए, ताकि जब बाद में आप फिनिशिंग दो तो सही तरीके से आपका जो कटिंग है वो सही परफेक्ट उसी एरिया तक आ जाए जहाँ तक उन्होंने बताया है। तो मैंने इस तरीके से देखिए गोल गोल करते हुए इक्वली में बराबर बराबर दोनों साइड से ऐसे घुमा के कट करती चली जाऊंगी इस तरीके से। एक कान के पास थोड़ा सा आपको बहुत सावधानी से कट करना है, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए आपको, लेकिन आप कान के पास बहुत सावधानी से कट कीजिए। और नॉर्मली बच्चे की कटिंग ओवरऑल बहुत सावधानी से करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा कर करके कट कीजिए, ध्यान दे के कि कैची कहाँ जा रही है, क्योंकि अदरवाइज़ कैची बहुत जल्दी ही बच्चों को लग जाती है। बच्चों ने थोड़ा सा भी गर्दन मूवमेंट की और कैची चली, उसी टाइम कट लग सकता है। तो वो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ इस चीज़ का कि बच्चे को थोड़ा सा लग गया। तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अच्छा नहीं है अगर किसी बच्चे को लग जाए चोट, तो थोड़ा अच्छे से कीजिए आप। तो मैं उसी हिसाब से देखिए बराबर बराबर पूरे में करती जा रही हूँ सही तरीके से, और बार बार कॉम करती जा रही हूँ ताकि कोई बाल ऊंचा नीचा नहीं रहे, इसीलिए मैं बार बार कॉम करती जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से देखिए जितना ही बड़ा बड़ा बाल दिख रहा है मुझे, अपनी जो मैं राउंड राउंड बना के लेके आ रही हूँ एक लाइन, और जो बाल मुझे लाइन के बाहर दिखाई देता है मैं उतने ही बाल कट कर देती हूँ। फिर से मैं कॉम करती हूँ, फिर से मुझे जो लाइन आगे लाइन बढ़ाना है उसको एकदम इक्वली लाइन को लेके चलना है कटिंग के लिए, तो मैं उसको कॉम करती जाती हूँ और उसी तरीके से कट करती जाती हूँ। देखिए कान मैंने पकड़ लिया है और थोड़ा सा इस तरीके से कट किया है। देखिए अब मैं आगे की साइड कट करूँगी कान के, तो मैं फिर से इस तरीके से कॉम करूँगी और बिल्कुल धीरे से, बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं, बिल्कुल धीरे से। देखिए कान के पास बिल्कुल धीरे से कट करूँगी इस तरीके से। फिर एक बार मैं टोटल पूरे कॉम कर लूँगी अच्छे तरीके से, जो बाल बड़ा लग रहा है उसको मैं और सावधानी से देखिए कंघे में लेके कट कर रही हूँ, ताकि कान पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँ। और इसीलिए तो अच्छे से इस तरीके से कट कर लेंगे पूरा, सही से एक बार फिर से चेक करेंगे पूरा, और जितना बड़ा बड़ा दिख रहा हुआ बाल जहाँ से, तो वहाँ से एक बार फिर से सही से कट करेंगे। और आप चेक भी करा देंगे जो उनके साथ हो, उनको उनकी मम्मी साथ हो तो उनकी मम्मी को चेक करा देंगे, आप एक बार देख लीजिए आपको इक्वली दिख रहा है या फिर सही है कटिंग की नहीं है। तो अभी मैंने दोबारा से देखिए बराबर थोड़ा कॉम करके देखा आगे से, तो मुझे ऊँचा नीचा लग रहा था फ्रंट के बाल थोड़ा सा, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा कट करूँगी, हल्का सा ही ऊँचा नीचा लग रहा था, मैं उतना ही कट कर दूँगी। देखिए इस तरीके से अब मैं फिर से पूरा मेज़रमेंट ले लूँगी वापस से, और उसको उसमें से भी फिर से बालों को धीरे धीरे करके वो बाल भी कट करूँगी जो मुझे ऊँचे नीचे लग रहे हैं। देखिए मैं धीरे धीरे करके कट कर रही हूँ। और आप अपने पार्लर पर एक ट्रिमर रखिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत आरामदायक रहता है वो, क्योंकि जो छोटे छोटे से बाल रह जाते हैं उनकी गर्दन पे और उनके ईयर के साइड से जो ईयर ब्लॉक्स होते हैं वो जो बाल रह जाते हैं उनको करने के लिए। उसके बाद मैंने पूरे बालों को एक बार उठाया ऊपर की साइड, आगे से फ्रंट से जो जो बाल आए हल्का सा उनको नोचिंग किया, और अब मैं देखिए इस तरीके से तिरछा करके बालों को उठा रही हूँ, इस तरीके से हल्का सा तिरछा कट करूँगी। तक इससे क्या होगा ना, इससे बालों में हल्का सा बाउंस आ जाता है, बाउंस, और जो पूरे बालों में जो हल्की हल्की सी जो ऊपर के बाल जो नॉट होते हैं, जो पतले हो गए होते हैं, वो भी बाल अच्छे से कट जाते हैं। तो जिसके बाल पूरे नहीं आ रहे हों नीचे तक, जो कटिंग में नहीं आ रहे हों, गोल कटिंग में नहीं आ रहे हों, उनके बालों को आप इस तरीके से कट कर सकते हो, इससे ओवरऑल बाल कट होता है। तो और जब बाल अच्छे से बढ़ेगा ग्रो करेगा तो ओवरऑल बाल अच्छे से ग्रो करेगा और पूरे बालों में सही तरीके से आपको कटिंग दिखाई देगी। तो मैं इसी तरीके से बाल लेती जाऊंगी और उसमें हल्का हल्का सा जो है हल्की हल्की सी नोचिंग करती जाऊंगी पूरी साइड से। तो मैंने पीछे से तीन सेक्शन लिए थे, एक सबसे पहले मैंने मिडल में लिया है, उसके बाद मैंने साइड से लिया है, और फिर मैंने ये इधर साइड से लिया है। देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से देखिए मैं नोचिंग करती जा रही हूँ इस तरीके से। देखिए अब मैं फिर से एक बार पूरे बालों को सही तरीके से चेक कर लूँगी। पहले मैं ट्रिमर से जो नीचे गर्दन पे जो छोटे छोटे से बाल होते हैं बच्चों के, वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और नीचे एकदम सही लाइन फिनिशिंग के लिए मैं इस तरीके से
देखिए सही तरीके से कर लेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे, क्योंकि इससे बच्चों को थोड़ा सा क्या है ना, हल्का सा चुभता सा है, चुभता तो बच्चों को लगता है कि लग ना जाए, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से उनको धीरे धीरे कर लेंगे अच्छे तरीके से, इस तरीके से जो गर्दन पे जो भी बाल हों वो गर्दन पे नम ना रहें। इससे तो आप ज़्यादा महंगा ट्रिमर नहीं ले सकते हो, तो आप आराम से आप 600 700 800 1000 रुपये तक का ट्रिमर ले लीजिए इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पर हो गया है क्लीन, और अब हम साइड से भी क्लीन कर लेंगे, जो साइड की जो एरिया होता है कान के पास का जो एरिया, उधर भी हम क्लीन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से, इससे क्या है ना, जो फिनिशिंग अच्छी आती है, कटिंग अच्छी दिखाई देती है, छोटे छोटे से बाल जो होते हैं वो बच्चों को दिखाई नहीं देते, तो उनकी गर्दन भी एकदम साफ दिखाई देती है, कान के पास का एरिया भी एकदम साफ दिखाई देता है क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हो गया है इनका ये कटिंग अच्छे तरीके से, और अब मैं पूरे बालों को अच्छे से कॉम कर लूँगी इस तरीके से। कॉम करने के बाद जिधर से ये बाल काट दें हैं उधर से एक बार अच्छे से कट देख के, और फिर मुझे कहीं पर अगर ऊंचा नीचा कोई बाल लग रहा है या थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा कट हो जाना चाहिए, तो मैं और थोड़ा सा इस तरीके से, देखिए हल्का हल्का सा मैंने और कट दे दिया है, जितना मैंने बोला था ना मेजरमेंट से थोड़ा सा ऊपर लेके चलिए आप 1/2 इंच, और उसके बाद में लास्ट में आप एक बार फिनिशिंग जब दोगे तब उस टाइम पे आप इतने बाल कट कर सको तकम। तो मैंने थोड़ा सा जो 1/2 1/2 इंच जो बाल है ना वो मैं अब कट करूँगी, ताकि मैं अच्छे से पूरी जो कटिंग है उसको अच्छे से फिनिशिंग दे पाऊँ और उनको पसंद भी आए। तो मैं धीरे धीरे करके देखिए पूरा ओवरऑल इसी तरीके से फिर से एक बार काट लूँगी, जिस तरीके से मैंने अभी काट के बताया था आपको, धीरे धीरे करके पूरा हल्का हल्का करके एक कान से लेके दूसरे कान के तक अच्छे से कटिंग हो जाए, ताकि तो मैं उसको अच्छे तरीके से इसी तरीके से देखिए जहाँ जहाँ मुझे जो जो बाल बड़ा बड़ा दिखाई देगा मैं उतने उतने बालों को कट कट करती जाऊँगी। तो वो चीज़ छोटे बच्चों की कटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है कि उनके कट लग जाता है, जो बच्चे ज़्यादा रोते हैं या फिर जो अपनी मम्मा से के साथ बिना नहीं बैठते, वैसे मैं उनके करती नहीं हूँ कटिंग, क्योंकि वही मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती कि किसी को चोट लग जाए। तो यहाँ पर देखिए ये इनकी फाइनल कटिंग है, इनकी माँ को चेक करा देंगे एक बार, ठीक है ना, देखिए, और उसके बाद में बस ये फाइनल कटिंग है और मैं बाल साफ कर दूँगी। सो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब।